1 नवंबर 2022 ये अब देश के लिए महत्वपूर्ण तारीख बन गई है। इसी दिन से अपने देश में डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो गई। डिजिटल करेंसी मतलब ई रुपया की शुरुआत। इसके साथ ही इकोनॉमी सेक्टर में नए युग का आगाज हो गया है। दरअसल इसी साल बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसी के तहत रिजर्व बैंक ने इस योजना का पायलट परीक्षण किया, लेकिन देश की अलग मैक्सिमम आबादी को पता ही नहीं कि डिजिटल करेंसी होता क्या है या ये क्या है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में 5 आसान पॉइंट्स में डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपया के बारे में बताएंगे। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर इसकी शुरुआत की बात करते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से कैशलेस पर बात होने लगी थी। अर्थशास्त्री भी कहने लगे थे कि कैशलेस सिस्टम लागू करना समय की डिमांड है। कोरोना संकट में इसकी अहमियत और अधिक बढ़ गई। इसके बाद ही ऑनलाइन पेमेंट की डिमांड बढ़ गई। इसके बाद डिजिटल करेंसी पर बात होने लगी। कई बार खुद PM नरेंद्र मोदी ने भी डिजिटल करेंसी के फायदे बताए और 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई और वो तारीख भी आ गई जब इसका पायलट परीक्षण किया गया, यानी 1 नवंबर 2022 को। कारोबारियों के लिए थोक खंड में 24 लेन देन किए गए। डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल सरकारी बॉन्ड खरीदने में किया गया। इन सौदों की कीमत 2.75 अरब रुपए रही। रिजर्व बैंक के मुताबिक केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपया में पहले दिन हुए लेन देन में सभी 9 बैंक जुड़े रहे। इस दौरान डिजिटल करेंसी तुरंत जारी करने के साथ साथ उसी समय सौदा निपटान की प्रक्रिया जांची गई। कहा जा रहा है कि ये परीक्षण सफल रहा। इस लिस्ट में 4th नंबर पर बात करते हैं इसकी जरूरत के बारे में। इसमें ये जानते हैं कि डिजिटल करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल रुपयों के ट्रांजेक्शन में दिनों दिन तेजी से बदलाव हो रहे हैं। पहले कैश का जमाना था, तब कम लेन देन होते थे। इसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ी उसके अनुसार मोटी रकम की लेन देन होने लगी, तब लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट की ओर मूव किया और आज तो गली मोहल्लों में ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है। इतना ही नहीं, RBI के कॉन्सेप्ट पेपर के मुताबिक RBI देश में फिजिकल कैश मैनेजमेंट में आने वाली भारी भरकम लागत कम करना चाहता है। इसे ऐसे समझे कि RBI अब नोटों को छापने, इन्हें सर्कुलेट करने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की लागतें कम करना चाहती है। साथ ही वो पेमेंट सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ावा भी देना चाहती है और इसमें इनोवेशन भी करना चाहती है। दरअसल डिजिटल करेंसी ऐसी वर्चुअल करेंसी होगी जो किसी भी तरह के जोखिम से मुक्त होगी और लोग पूरे भरोसे के साथ इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और ये ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा। यानी कि ये करेंसी ऐसे इलाकों में भी काम करेगी जहां बिजली और मोबाइल नेटवर्क नहीं है। अब बात करते हैं 3rd नंबर की। डिजिटल करेंसी लागू होने से रियल टाइम में लेन देन होगा, इनमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। RBI एक्सपर्ट के अनुसार CBDC और कैश देते ही इंटरबैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं रह जाएगी। इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तुलना में लेन देन रियल टाइम में होगा और लागत भी काफी कम होगी। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ की माने तो ई रुपया से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, साथ ही देश में पेमेंट सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि ई रुपया एक कैश और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मोड होगा, साथ ही ये QR कोड और SMS स्ट्रिंग पर आधारित ई वाउचर के रूप में काम करता है। इस सर्विस के तहत यूजर को पेमेंट करने के लिए न तो कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप और ना ही इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, ये पेपर करेंसी के समान है जिसकी सॉवरेन वैल्यू होती है। डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी और इसे कैश की तरह ही स्वीकार किया जाएगा और ये बैंक की बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी के तौर पर दिखाई देगी। 2nd नंबर पर इसके फायदे की बात करते हैं। RBI के अनुसार ई रुपया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है और इसके कई फायदे भी हैं। ये कई सामाजिक कल्याण योजनाओं में मदद कर सकता है। इसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी योजनाओं में इससे काफी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी अपने वेलनेस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के हिस्से के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन का उद्देश्य ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाना है। बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों इसके बेनिफिट्स की जानकारी भी दी थी। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट भी किया था।
उन्होंने बताया कि ई रुपया कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सर्विस होगी। ये सर्विस स्पॉन्सर्स और बेनिफिशियरी को डिजिटली कनेक्ट करेगा, साथ ही अलग अलग वेलफेयर सर्विसेज की लीक प्रूफ डिलीवरी को भी सुनिश्चित करेगा। अब पहले नंबर की बात करते हैं। अब तक आपने इसके बारे में कई चीजें जान ली है, ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं, इन बिंदुओं को जाना। आपने ये भी जाना कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और केंद्र सरकार इस पर जोर क्यों दे रही है। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि ये काम कैसे करेगी और इससे अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे होगी। दरअसल ये एक वाउचर है जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, यानी केवल वही इसका इस्तेमाल कर सकेगा जिसके लिए इसे जारी किया जाएगा। ये QR कोड या SMS के रूप में होगा, इन्हें स्कैन किया जा सकेगा। सत्यापन के लिए लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा, इसके जरिए वाउचर से भुगतान हो जाएगा। और हाँ, इसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। ये कैशलेस के साथ ही कॉन्टैक्टलेस सिस्टम है, इसमें बैंकों की तरह निपटान की जरूरत नहीं होगी। इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तुलना में लेन देन ज्यादा रियल टाइम और कम लागत में होगा। इतना ही नहीं, नोटों की छपाई लागत भी कम हो जाएगी। RBI के अनुसार देश में 100 रुपए की एक नोट को छापने में 15 से 17 रुपए की लागत लगती है। एक नोट करीब 4 साल तक चल पाता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक को दोबारा नोट छापने पड़ते हैं, जिस पर हजारों करोड़ रुपए की लागत आती है। बता दें कि RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में 4.19 लाख अतिरिक्त नोट छापे थे। इसके लिए उसे हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। डिजिटल करेंसी का चलन बढ़ने से नोटों की छपाई पर आने वाली लागत खत्म हो जाएगी। इससे हमारे देश में अर्थव्यवस्था में सुधार ही नहीं होगी बल्कि इसमें मजबूती भी आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।